गुप्तार घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से प्रभु श्री राम की परम यात्रा जो है, परम धाम को जो यात्रा है वो शुरू होती है। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया, जहाँ भक्तगण आज भी बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं और पूजा पाठ यहाँ पर होता है निरंतर। और पुजारी जी हैं हमारे साथ सुप्रसाद त्यागी जी, जो मंदिर की देखरेख भी करते हैं और जो कथाएं हैं जुड़ी हुई प्रभु श्री राम के परमधाम यात्रा को लेकर वो भी भक्तों से भी साझा करते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या वो पूरी गाथा है, क्या वो तमाम क्रियाएं हैं या लीला कहें प्रभु श्री राम की। भगवान की जब लीला प्रारंभ हुई, लक्ष्मी जी पहले जा चुके, भगवान ने राज वैभव का त्याग कर लिया, भगवान ने राज धर्म का त्याग किया तो धनुष छोड़ा, मानव रूप ले लिया, भगवान ने सफेद रेशमी वस्त्र धारण किया और हाथ में कुश लिया, उनके साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सामने संहारकारिणी शक्ति, अयोध्या के समस्त जीव जंतु पशु पक्षी, यहाँ तक कि आदर्श आत्माएं और जो अस्थावर जंगम जो पेड़ पौधे भी हो गए तो वो भी भगवान के साथ प्रस्थान किए। भगवान मंत्रोच्चारण करते हुए अयोध्या से 2 कोस 4 मील दूरी पर सरजू तट पर ठहरे। भगवान जब यहाँ ठहरे, इनका सारा परिकर आ गया, फिर देवता जब प्रकट हुए तो उन्होंने, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब साथ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता आप अपने अपने अंश में जाएंगे और आपकी प्रजा साकेत धाम के पास सांतन नाम के लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको नदी में डुबकी लगाया, जल स्पर्श कराया और सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर विमान से भेजा। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित कर लिया। फिर ब्रह्मा जी से बोले जो शेष रह गए और आना चाहते हैं तो उनको आप भेजिएगा। तो 1 मास का समय रखा था, कार्तिक मास। भगवान ने अपने जाने की लीला शरद पूर्णिमा के दिन की और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो वो भी सरजू नदी में डुबकी लगाए बाहर आए चतुर्भुज रूप में और वो भी विमान से अपने धाम को गए, साकेत धाम को गए। भगवान यहाँ साकेत वासी हैं और इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार, लेकिन अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर का स्वरूप अद्भुत है, यहाँ कहीं ऐसा कोई मंदिर नहीं कि जहाँ भगवान का और किसी सरिता नदी का दर्शन आमने सामने हो, यहाँ है। और भगवान यहाँ इस स्वरूप में विराजमान है जैसे वाल्मीकि जी ने बाल स्वरूप का वर्णन किया है। खाली हाथ हैं और एक प्रेरणा भी है कि अंत में सबको खाली हाथ जाना है जी। और यहाँ का महात्म्य बताया गया है कि इसके समान तीर्थ न हुआ है और न होगा। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं और यहाँ कहा गया है कि कार्तिक मास में पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हो, कार्तिक मास में गुप्तार नामक महातीर्थ में स्नान निवास करते हैं। इसका एक लगा हुआ स्कंद महापुराण में, इसकी फोटो ले लिए, दिखा दीजिए लोगों को जी। ये बहुत सुंदर है और यहाँ का कहा गया कि जब तक जो भी किया जाएगा वो सब अच्छे होएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसमें जो महाकाल मंदिर का जो महात्मा है, मणिकर्णिका का जो महात्मा है और जो महात्मा वहाँ नैमिषारण्य में है उस उतना ही उससे ज्यादा महत्व यहाँ बताया है गुप्तार नामक अध्ययन गुप्तार नामक महातीर्थ का। तो आज जो लोग आते हैं वो क्या मान्यताओं के साथ आते हैं? भगवान यहाँ अंतर्ध्यान हुए उनके दर्शन के लिए आते हैं कि वो स्थान कहाँ है जहाँ से भगवान अंतर्ध्यान। तो उनका ये लालसा है कि भगवान जहाँ से गए वहाँ से तो मुक्ति प्राप्त होगी जी, इसलिए वहाँ का स्नान करना और जल ग्रहण करना वो अपना सौभाग्य मानते हैं। बहुत शुक्रिया।